तो ये है हमारी रेंट अ कार। हेलो यारिस, जाइंट बुद्धा की स्टेच्यू पे सामने बुद्धा है। हेलो बुद्धा। ये है वो मशहूर ज़माना पटांग बीच पुकेट आइलैंड का बांग्ला रोड सुबह के 7 बजे। कोई रौनक नहीं, कुछ नहीं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू कोइटावाला व्लॉग्स। और आज हमारा दिन है पुकेट में। हम लोग ठहरे हैं पटांग के एरिया में और बिल्कुल सामने करीबी हमारे क्या कहते हैं मशहूर ज़माना और बदनाम ज़माना वो है बांग्ला स्ट्रीट है, बांग्ला वॉकिंग स्ट्रीट, और उसी के आगे पटांग बीच है। अभी मैं निकला हूँ, पहले सुबह जागा था, फिर वापस आ गया, फ्रेश हो गया, तैयार हो के अब मैं जा रहा हूँ कॉफ़ी पीने। और दिल कर रहा है कि टिम हॉर्टन जाऊँ, तो टिम हॉर्टन मैंने गूगल मैप्स पे देखा तो यहाँ पे से 600 मीटर्स पे है, तो लेट्स गो टू टिम हॉर्टन। 3 मिनट की वॉक के बाद मैं ये पहुँच गया हूँ, ये है बांग्ला स्ट्रीट पटांग। और अभी शायद इस तरफ टिम हॉर्टन है, मैं गूगल मैप से देखूँ तो फिर मैं या इस तरफ जाऊँ या इस तरफ जाऊँ, तो लेट्स सी। ये है पटांग बीच पॉकेट और इसी फ्लोर से आप आगे वॉकिंग स्ट्रीट सीधा क्रॉस करेंगे तो यू विल गो टू पटांग बीच। तो चलते चलते मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। ये शायद कोई मॉल है, यहाँ पे अच्छे खास स्टारबक्स और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसका नाम क्या है, जंग साइलॉन। ये मेरे ख्याल से कोई छोटा सा मॉल ही है। इसके अंदर यूनिक्लो भी है और बाकी सारी चीज़ें भी हैं, फूड बाज़ार भी है, स्ट्रीट फ्यूजन भी है, कॉफ़ी क्लब भी है, और ऊपर यूनिक्लो है, और इस तरफ भी शॉप्स हैं, और सामने भी एक मॉल है जिसका नाम शायद सेंट्रल मॉल है। तो ये दो मॉल्स यहाँ पे हैं, वो बांग्ला स्ट्रीट है इस तरफ, वो सामने। तो अभी मैं एक करेंसी एक्सचेंज आया हूँ और लकी इनका रेट बहुत अच्छा है। ये $100 को दे रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 36.90, तो अभी तक का ये मुझे बेस्ट रेट मिला है। जितने भी मैंने करेंसी चेंज कराए 36.6 वो भी कराया है, तो दिस इज़ अ रियली गुड रेट। चेंज करा के मैं यहाँ से यू जा रहा हूँ, सामने मुझे टिम हॉर्टन नज़र आ रहा है। तो कॉफी का ऑर्डर दे दिया, just waiting for my coffee. जैसे ये बजर बजेगा कॉफी लेने जाऊंगा। भाई हमारी कॉफी और क्रॉसेंट दोनों आ गए। Few sips later. तो ये है हमारी रेंट अ कार। हेलो यारिस, पाकिस्तान में आपने यारिस देखी है और यहाँ पे देखें कितना डिफरेंस है। ये 2023 मॉडल है, 24 मॉडल भी नहीं। जरा इसको चेक करें, रिम्स चेक करें, और ये पीछे से इस गाड़ी को चेक करें, कितनी खूबसूरत है ये। और पाकिस्तान में पता नहीं इस तरह की गाड़ी कब आएगी यारिस। तो इसमें ड्राइव मोड में डी है, और जैसे आप इसको स्पोर्ट्स मोड में डालते हैं तो ये एस में हो जाता है कन्वर्ट स्पोर्ट्स मोड। फिर इसमें स्पोर्ट्स मोड में ये मैनुअल पे भी चलता है। अभी आप इसको देखें, ये मैनुअल में 7 इसके गियर है। ये देखें, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, तो मैनुअल में इसके 7 गियर है।
तो हमने गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी और आ गए हैं हम खारॉन बीच पे। मुझे लगा कि पुकेट जो है वो प्लेन एरिया है, लेकिन पुकेट प्लेन एरिया नहीं है। ठीक है, इसके सैंडी बीचेस हैं, लेकिन ओवरऑल आप देखें तो पुकेट में पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं चारों तरफ, और इसकी सड़कें भी प्लेन नहीं है, सड़कें भी ऊपर नीचे है, जैसे आप किसी हिली एरिया में गए हो या जिसे आप किसी नॉर्दर्न एरिया में गए हो उस तरह की फीलिंग है। मौसम गर्म ह्यूमिड है, लेकिन हवा चल रही होती तो आपको फील नहीं होता, लेकिन ये एक ओवरऑल गर्म है। अब यहाँ पे इन्होंने इतने सारे वो लगाए हैं बीच के काउचेस, आप देखें ये सारे इन्होंने लगाए हैं बीच चेयर्स, तो इसका मतलब ये कि काफ़ी हैपनिंग प्लेस है ये। लेकिन आज मुझे लग रहा है वेव्स तेज है। खूबसूरत बीच है यूकर करके, यू ये पटोंग बीच से इस तरफ है, तो हमने अपना आज का दिन पटोंग बीच से स्टार्ट नहीं किया, हमने आज का दिन कैरॉन बीच से स्टार्ट किया है। तो लेट्स गो फॉर बीच एक्टिविटी। तो हमारा बीच पे जाने का आज का प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि आज ये लोग कह रहे हैं, हमने इस भाई से बात की, वो खड़े हैं और इंग्लिश तो उसको आती नहीं थी, फिर गूगल ट्रांसलेटर से मैंने इंग्लिश में बोला, उसको थाई में सुनाया, तो उसने कहा कि आज उसने अपने ऐप पे चेक किया वेव्स का, तो उसके वेव्स के ऐप के मुताबिक आज हाई टाइड्स हैं और जो है ना कल हाई टाइड्स नहीं होंगे। तो उसने कहा कि आज सारे बीच पे पटोंग बीच है ये भी हाई टाइड्स है, तो तीनों बीचेस पे हाई टाइड्स हैं, तो आज उसने कहा कि मतलब हाई टाइड्स ही रहेंगे। तो हमने ये डिसाइड किया कि आज हम कोई और एक्टिविटी करेंगे, कल हम आएंगे वेव्स के पास, बीच के पास, तो कल हम बीच की दो एक्टिविटीज़ करने का प्लान करते हैं। फिर तो हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे बूदा की तरफ, और बूदा बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर है। बुद्धा का स्टैच्यू जो है ना थोड़ा सा विजिबल हुआ है, मेरे ख्याल से हम बहुत ही करीब पहुंच गए हैं, अभी आखिरी चढ़ाई लग रही है आखिरी। ये देखें जाइंट बुद्धा। तो ये इसमें ग्रे कलर है, ग्रे कलर में यारिस कैसे लगती है? बेसिकली ये देखें ना, ये है यारिस एटिव, तो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, जो पाकिस्तान में भी 1.5 पे आती है। खैर अभी हम बुद्धा के पास आ गए, यहाँ पे फ्री पार्किंग है, तो सबने अपनी गाड़ियाँ खड़ी की हुई, अब यहाँ से हमने गाड़ी पार्क की, अब हम आगे जाएंगे। सो ये कह रहा है दिस वे टू बुद्धा, तो यहाँ पे एंट्री फ्री है, पार्किंग भी फ्री है, एंट्री भी फ्री है। साला ऑफिस। मुझे बुद्धिज्म के बारे में कुछ भी नहीं पता, सो मैं आपको इस बारे में कोई नॉलेज तो नहीं दे सकता हूँ, जो है वीडियोस में आता है वही आपको मैं अपडेट करता रहता हूँ। जाए बुद्धा की स्टैच्यू पे, सामने बुद्धा है, हेलो बुद्धा। और मेरे ख्याल से यहाँ पे अब ये योगा की क्लासेस या कोई स्पिरिचुअल क्लासेस होंगी। यहाँ पे सामने चेयर्स लगाए उन्होंने, और सामने ये फॉर्म्स अभी मेरे सामने लगा रहे थे इनके सिटिंग के लिए,
तो मेरे ख्याल से ये देखे 7 मिनट्स ऑफ हैप्पी मेडिटेशन, सो मेडिटेशन की क्लासेस होंगी यहाँ पे। और सामने ये गोल्डन बुद्धा भी है, इसी के साथ है ये देखिए, ये जॉइंट बुद्धा है। और इसके राइट साइड पे ये जो है ना गोल्डन बुद्धा। बुद्धा है ना ये इस फुकेट आइलैंड का सबसे प्रोमिनेंट लैंडमार्क है। इसकी हाइट जो है ना 148 मीटर्स है, यानी 148 फीट है, यानी कि 45 मीटर्स है। तो ये कैमरे में इतना मैसिव नज़र नहीं आता, लेकिन रियलिटी में इट वेरी वेरी मैसिव। तो एग्जिट का रास्ता ये है और एंट्री वहाँ से हुई थी, एग्जिट यहाँ से। अब यहाँ पे इन्होंने मार्क बनाया कि डू नॉट फीड द मॉन्कीज, तो हो सकता है यहाँ पे आपको मॉन्कीज वगैरह नजर आए। अभी तक हमें तो नजर नहीं है, लेकिन वो एक सामने मॉन्की है। एक मॉन्की नजर आया, अकेला खामोश बैठा हुआ। ये देखे, ये भी इनका कोई सुपरस्टिशियस है, इन्होंने इनको नंबर लगाए हुए हैं। और इस पे ये क्या कर रहे हैं कि हर किसी में कॉइन्स गिरा रहे हैं। अच्छा, कॉइन्स दे रहे हैं। देखिए 32, 33, 35, 37 और यहाँ से 1 शुरू है, तो 37 है ये वाला। और सामने मेडिटेशन की क्लासेस हो रही हैं, लोग मेडिटेशन ले रहे हैं। आप यहाँ पे ड्रोन भी फ्लाई कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है ड्रोन फ्लाइंग जोन। तो मतलब यहाँ पे ड्रोन फ्लाई करना अलाउ है, तो जो लोग ड्रोन फ्लाई करना चाहते हैं, जिन लोगों के पास ड्रोन्स हैं, तो वो आके यहाँ पे फ्लाई कर सकते हैं। मेरे पास तो ड्रोन नहीं है। सीन बुद्धा, सो इट्स टाइम टू गो बैक, सो इट्स टाइम टू से बाय बाय टू बुद्धा। Bye bye Buddha. Bye bye Buddha. Ye pishli. Hussain, do it quickly yaar. No. Good. No try. Please you do it. I want to make it a video. For me just once. Thank you. ये हिंदुओं की जो काली माता है, उस तरह का ये कॉन्सेप्ट है या ये डिफरेंट है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये देखिए, एक वो काली माता टाइप की कोई स्टैचू है। थाईलैंड में सरकारी फॉर्च्यूनर, एक और सरकारी गाड़ी। हाय यारिस एटिव, हाय यारिस एटिव। यार मुझे ये कार बहुत अच्छी लगती है, माशाल्लाह, आई लव इट। तो हम ये रवाई बीच पे पहुंचे हैं। रवाई बीच ऑपोजिट साइड पे है पटोंग बीच के। पटोंग बीच उस तरफ है, रवाई बीच आइलैंड के इस तरफ है। तो यहाँ पे छोटी सी जगह नज़र आई है, ये बे टाइप की है या किस तरह है, यहाँ पे वेव्स नहीं है। अभी हम बीच की तरफ जाते हैं और आपको फिर दिखाते हैं। बच्चों के सेंट टॉयज भूल गए, तो अभी सेंट टॉयज लेने जाना है। गाड़ी की डिक्की में पड़े ओपन सेसिमी।
तो ये है रवाई बीच फुकेट थाईलैंड। यहाँ पे वेव्स बड़े काम है, तो हो सकता है या तो इन्होंने वेव्स तोड़ने के लिए कोई बे वगैरह बनाया हो या कोई बैरियर बनाया हो, या ये वैसे ही ये समंदर पानी अंदर है तो इस वजह से उस तरह की तेज़ वेव्स नहीं है। वो वाली कोस्ट थी, वो अपोजिट साइड पे थी आज जिधर हम सुबह गए थे ना। कैरोन बीच है, पटोंग बीच है, और उसके साथ जो काटाई बीच है, वो सारे जो थे ना वो अपोजिट साइड पे थे। तो हो सकता है वहाँ पे वेव्स हो और यहाँ पे ना हो, तो मे बी दैट इज़ द रीज़न। लेकिन ये कि यहाँ पे वेव्स बहुत ही काम एंड कूल है, वहाँ पे बहुत ही हैवी और हाई टाइड वेव्स थे। तो अभी यहीं पे थोड़ी देर इंजॉय करते हैं बच्चों के साथ, यहाँ पे बड़ा काम पीसफुल सा माहौल है। ये लॉन्ग टेल बोट्स हैं, ये भी काफ़ी हैं, और इस तरह की भी है टगिंग बोट्स हैं। और शो मी व्हाट इज दिस। और ये भाई कामयाबी से वापस आया है, इसने 3 मछलियाँ पकड़ी है समंदर से, और बच्चे सारे इसके पीछे पीछे जा रहे हैं। आर्या भी चली गई इसके पीछे। Later. तो अभी हम आए हैं पटोंग के एरिया में, ये हलाल फूड स्ट्रीट है और यहाँ पे सारे ये वेंडर्स हैं, और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस तरफ से लेके वहाँ तक ये सारे हलाल फूड वेंडर्स हैं। तो अली भी मेरे साथ है और अभी हम लोग यहाँ से ये चीज़ें लेंगे और फिर बैठ के एंजॉय करते हैं। तो इसमें ये ग्रीन वाला क्रैब है और ये डम्पलिंग्स हैं, येलो जो है ना वो श्रिम्प है, और जो ब्लैकिश आपको नज़र आ रहा है वो चिकन है, और ये जो येलो लंबे वाले हैं ना ये श्रिम्प प्लस चिकन मिक्स है। तो ये सैलेड है स्पेशली यहाँ का, ये मिक्स करके इस तरह बनाते हैं। तो इसमें चिकन भी है, सी फूड भी है, तो चिकन वाला हम ले रहे हैं, और चिकन वाला जो है ना वो है तकरीबन 60 baht का। यहाँ पे लोगों ने यहीं पे चटाइयाँ डाल के बैठ के खाना शुरू कर दिए, और ये देखे हर कोई यहाँ पे आ रहा है, अपनी चटाइयाँ डाली है पिकनिक की तरह, और अपने हांडियाँ शांडियाँ रखी हुई हैं, और यहाँ से चीज़ें ले रहे हैं और वहाँ पे बैठ के खा रहे हैं। तो ये स्ट्रीट फूड है, टेस्टी है, और सारा हलाल है। ये देखिए मोस्टली मुस्लिम फैमिलीज आती हैं। तो ये पता चला ये क्ले पॉट सूप है जो यहाँ पे मिलता है, ये घर से नहीं लेके आए हैं, ये सारे यहीं पे क्ले पॉट सूप लेते हैं और यहीं पे बैठ के खाते हैं। ये मैंगो स्टेशन आ गया। हर दिन की तरह हमारा व्लॉग जो एंड होता है वो फूड पे होता है, खाने पे। तो आज के व्लॉग को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस नालायक को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और खलास।